हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, अब ठंड का समय है और दिसंबर महीने का आखिरी है और हम सब इसमें सेहतमंद कैसे रहेंगे और हमारा जो सेहत है वो बिना दवाई के बिना अस्पताल जाए बढ़िया रहने के लिए विटामिन सी का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं और वो भी नेचुरल तरीके से, इसके बारे में आज आपको जानकारी देता हूँ। सबको पता है कि विटामिन सी जो है वो आपका लेमन, आपका आंवला, ये सब में भरपूर पाया जाता है। दोस्तों, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। ठंड के लिए भरपूर विटामिन सी, इन सात समस्या यानी सात तरह का समस्या को आज मैं एड्रेस करने वाला हूं, जिससे आप पीड़ित दोस्तों नहीं होगे अगर विटामिन सी तरीके से आप लेते हो। विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए अन्य विटामिन्स की तुलना में कई गुना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, विटामिन सी हमारी सेहत के साथ साथ सौंदर्य और त्वचा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम अगर यंग दिखना चाहते हैं, एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं, हम अपना जो काया को चेंज करना चाहते हैं, अपना ब्यूटी निखारना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको विटामिन सी का ज़बरदस्त उपयोग करना चाहिए और ख़ास करके विंटर में तो बेमिसाल इसकी तो उपयोग करना ही करना है। ये तो आप सारे जानते ही होंगे, लेकिन आपको ये जो विटामिन सी कैसे लेनी है और ये किस तरीके से काम करता है और ये जो सात तरह का जो समस्या है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देता हूँ। पहला है कि दोस्तों आस्थमा। आस्थमा हमारा विंटर में दोस्तों बढ़ जाता है, खास करके दिसंबर जनवरी में। विटामिन सी शरीर में आस्थमा के लिए जिम्मेदार हिस्टामाइन के उत्पादन को कम कर देता है, जिससे आस्थमा और सांस संबंधी जो समस्या है जैसे ब्रोंकाइटिस है और बाकी चीज़ें हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपके फेफड़े की सफाई करने में भी बहुत बड़ी अहम भूमिका दोस्तों निभाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको ब्रीदिंग सफिशेंट करनी है, लंग्स का पॉइंट एक्यूप्रेशर के मुताबिक आपको 30 नंबर पॉइंट आपको एक्टिवेट करनी है, जिससे आप अपने लंग्स को बढ़िया रख पाओगे, इसका बेहतर इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हो। इसके साथ साथ हृदय रोग यानी हार्ट की प्रॉब्लम से अगर आपको बचनी है तो विटामिन सी का एक बेहतरीन लाभ यह है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हार्ट के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, हृदय के समस्या से बचने के लिए आपको नियमित रूप से विटामिन सी का इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी आंवले का जूस हो गया या आपको थोड़ा सा लेमन हो गया, थोड़ा सा ऑरेंज हो गया, इस तरीके का चीज़ें दोस्तों इस्तेमाल करनी चाहिए। ये धमनियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा दोस्तों कम हो जाती है। यह कोशिकाओं में रक्त के बहाव में भी सामान्य रखने में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, तो मेरी इच्छा यह है कि आप जो भी सुनते हो दोस्तों, सिर्फ सुन के भूल ना जाओ, आप सुन के इसका इस्तेमाल करने को कोशिश करो। आप देखोगे एक महीने दो महीने बाद आप धीरे धीरे आदी हुए हो, एक्वेंटेड हो गए हो और इसका फायदा आपके सेहत में होने लगा है और आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर की जो ताजगीपन है वो दोस्तों बढ़ते जाएगा। कैंसर आज के दिन में दोस्तों इतना तेजी से फैल रहा है कि हम घरे घर आजकल कैंसर के मरीज को देख रहे हैं और अपने नियर डियर को मरते हुए भी दोस्तों हम देख रहे हैं। इसलिए विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा करने वाली फ्री रेडिकल्स से हमें बचाता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर कैंसर से लड़ने में भी मददगार साबित होता है। कोशिकाएं और डीएनए में होने वाले उस परिवर्तन से भी हमें बचाती है जो कैंसर दोस्तों पैदा करता है। इसलिए हमारे रोज के खाने में हो, सुबह हो, हम जरूर विटामिन सी का प्रयोग करें और खास करके मैं आंवला आप सबको एडवाइस करता हूँ।
कच्चा आंवला चाहे एक हो आधा हो यार चबा के खा लो, उसका रस ले लो या फिर उसका जूस बना के भी आप पी सकते हो। अगर आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहती है, विटामिन सी ने आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है, उसके साथ साथ स्ट्रेस के साथ फाइट करने के लिए जो फाइटिंग एंड्रोनोलिन का स्राव आपको चाहिए वो आपको सफिशेंट करवा देता है कौन ना, विटामिन सी, ये जो आपको तनाव से दूर रखता है, यानी आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। जो स्ट्रेस फाइटिंग एंड्रेनोलिन है उसका फायदा दोस्तों आपको होना तय है अगर आप आंवला ही खाली ले लेते हो सुबह सुबह। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी इसका बेहतर दोस्तों काम करता है। जोड़ों में कोलेजन और कॉटिलेज के क्षतिग्रस्त होने और उम्र बढ़ने के साथ साथ डीजेनरेटिव प्रोसेस में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो इन्फ्लामेशन होते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होता है और इवन अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, उसमें विटामिन सी का प्रयोग दोस्तों बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जोड़ों के लिए कोलेजन नामक प्रोटीन का निर्माण करना और उससे दर्द में राहत दिलाना विटामिन सी का दोस्तों काम है। इसलिए आंवले का प्रयोग, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, आपको घुटने में आर्थराइटिस है, तो दोस्तों आज से विटामिन सी का प्रयोग करना शुरू कर लीजिए। अगर आपको कोई जख्म हो जाता है, विटामिन सी में एक बेहतरीन हीलिंग पावर होती है जो त्वचा के घाव जल्दी भरने में बेहद मददगार साबित होता है दोस्तों। प्रतिरोध क्षमता कम होने की स्थिति में यह संक्रमण जो फैल जाता है शरीर में, बीमारियां जो हमारे घर घर में शरीर रूपी जो घर है उसके अंदर जो बीमारी आ जाता है उससे हमें बचाता है विटामिन सी। यही कारण से देखे होंगे डॉक्टर लोग भी सर्दी जुकाम होने से विटामिन सी एडवाइस करते हैं दोस्तों। इसलिए आप नेचुरल विटामिन सी लीजिए और हमेशा अपने खाने के साथ विटामिन सी रखें या फिर सुबह सुबह आप खाली पेट भी आंवले का इस्तेमाल करें। एलर्जी, विटामिन सी में मौजूद एंटी हिस्टामाइन तत्व एलर्जी से बचाव कर उसके लक्षणों को भी कम कर देता है। सामान्य सर्दी में भी विटामिन सी का प्रयोग कर शरीर को स्वस्थ हम लोग बना के रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से दोस्तों आजकल आंवले का अचार भी होता है, वो भी आप अपने खाने में दोस्तों अप्लाई करो। खास करके आज का जो मेरा टॉपिक था वो था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का प्रयोग करो। हर जगह सब्जी दुकान वगैरह में मिल जाता है, अपने आप में लाओ, हर रोज़ एक आंवला चबा के खाओ या फिर उसका रस का सेवन करो। इससे आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी, पेट भी दोस्तों अच्छा रहेगा। अगर इससे खट्टे से किसी को एसिडिटी वगैरह होता है वो कम मात्रा में दोस्तों ले, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपका पेट भी जो इंटेस्टाइन है वो भी दोस्तों रिपेयर हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहिए। हर चीज़ ये सब जो जानकारी है, आयुर्वेदिक की जानकारी, एक्यूप्रेशर की जानकारी, मैंने इसको एक किताब का रूप दिया हूँ और किताब का नाम रखा हूँ माई हेल्थ इन माई हैंड, यानि अपनी स्वास्थ्य को आप अपने हाथ में ही रख सकते हो और इसी हाथ के माध्यम से आप सेहतमंद रह सकते हो। आपको किसी के सामने दोस्तों हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक किताब पाने के लिए कॉन्टैक्ट करिए, हमारा जो मोबाइल नंबर है और हमारा जो एड्रेस है, हमें मेल करें, हमें व्हाट्सअप करें, जिससे कि एक किताब आपको अवेलेबल हो जाए। हिंदी वाले जो हिंदी के लिए मंगवाएं और जो अंग्रेजी चाहते हो अंग्रेजी मंगाएं। 600 पेज का जो किताब है वो लगभग आपका $35 है विदाउट आपका कुरियर चार्ज जो भी पड़ेगा। और जो विदेश में बैठे हैं वो लोग भी अगर चाहें तो इसको मंगा सकते हैं अंग्रेजी किताब। तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों किताब अवेलेबल है, आप इसका फायदा उठाएं, डेली एक्सरसाइज करें, एक्यूप्रेशर लें और हमारे व्हाट्सएप वगैरह में आके उसमें भी ज्वाइन करें, सीखें और दूसरे को सिखाएं और दूसरे को सेहतमंद करने में मददगार साबित हों दोस्तों। इस मिट्टी का सम्मान करें जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और उसके साथ साथ हमेशा देशभक्त बनने को प्रयास तो करो, कम से कम एक पौधा लगाओ, किसी गरीब दुखी को हेल्प करो, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ, अपने सेहत को अच्छा रखो। क्योंकि सेहत अगर अच्छा नहीं रहेगा ना, हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ेगा, फिर उसका गलत लोगों ने दोस्तों फायदा उठाएंगे। उन सब से बचने के लिए अच्छा है कि अपने आप को सेहतमंद रखो और अच्छी सोच के साथ क्रिएटिविटी आप लाओ और दूसरों का भलाई करने के लिए दोस्तों कोशिश करो। छोटी छोटी प्रयास करोगे
अच्छे भी रहोगे, सेहतमंद भी रहोगे और नाम भी कमा पाओगे, अपने माँ बाप का नाम भी दोस्तों कर पाओगे, अपने देश का भी नाम कर पाओगे। इसी बात के साथ दोस्तों मैं इस जो छोटी सी एपिसोड थी उसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर एक नई टॉपिक नई एपिसोड के साथ आपके पास आऊँगा। आपका दोस्त आपसे विदाई लेता है, डॉक्टर दरबेश यहीं पर रहता है। जय हिंद, जय भारत।